हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं इज एलर्जीज क्योर आफ्टर द नोज सर्जरी। दोस्तों, क्या जो मेरा जो एलर्जी है नोज का, DNS ऑपरेशन के बाद जो है क्योर हो जाए? बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जब हमारे पास OPD में पेशेंट आता है अपनी नोज़ को प्रॉब्लम को लेके ही, एंड पेशेंट का नेजल ब्लॉकेज होता है, उसको एलर्जी होती है, उसका एक कॉमन क्वेश्चंस होता है, डॉक्टर साहब जब मैं नोज़ की सर्जरी करा लूँगा, जब मैं DNS करेक्शन करा लूँगा, क्या मेरी एलर्जी भी ठीक हो जाएगी? दोस्तों, ये जो चीज़ है हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते, बहुत बार क्या है, एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में विवाद का विषय हो जाता है, क्योंकि पेशेंट कहता है मैंने सर्जरी भी करा ली, मेरी तो एलर्जी भी ठीक नहीं हुई। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, दो चीज़ें हैं अपने आप में, एक है DNS, जैसा हमने देखा DNS मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो नाक के बीच में हमारा जो पार्टीशन गॉड ने बनाया है, वो एक तरफ डेविएटेड है, वो राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में, जिसके कारण हमें नेजल ब्लॉकेज होता है। ओके, यू गॉट इट। एंड सेकेंड है हमारा एलर्जी। एलर्जी मतलब हमारे नोज के अंदर की जो हमारी म्यूकोजा है, जो हमारा जो म्यूकोजल लेयर है, वो कोई भी कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है किसी कारण से, और उसमें क्रोनिक जो है नाक से पानी आना, छींके आना, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब बात करते हैं, अगर हमने सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कराई। सेप्टोप्लास्टी क्या है कि जो DNS जो हमारा है उसको जो करेक्शन करने की जो सर्जरी है उसको सेप्टोप्लास्टी, एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी हम बोलते हैं। अब दोस्तों, अगर हमने एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करा ली, उसका क्या एडवांटेज है? द एडवांटेज, वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज रेस्ट ऑफ लाइफ। हमारा नोज कभी ब्लॉक नहीं होगा, हमारे नोज से जो है आराम से ब्रीदिंग आएगा। बट अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग, एलर्जी अब ठीक होगी कि नहीं, इस चीज़ को हमें अच्छे से देखना है। दोस्तों, एलर्जी और एक DNS दोनों अपने आप में अलग चीज़ है। जैसे हमने सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कराया, नेजल ब्लॉकेज हमारा ओबियसली रिलीव हो जाएगा, बट आपका जो एलर्जिक जो पार्ट है उसके लिए हमें एलर्जी के एक मैनेजमेंट की ज़रूरत फिर भी आपको पड़ेगी। वो क्या मैनेजमेंट है? उसके लिए सबसे पहले आपको एक मिनिमम एक ट्रीटमेंट लेना होगा, पहले उस एलर्जी की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना होगा फर्स्ट। सेकंड, एक मिनिमम उसके बाद एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे जस्ट टू प्रिवेंट रिकरेंस, कि वो आपको बार बार नहीं है। जितने भी एलर्जी के पेशेंट हैं उनको दवा लेते हैं, जब ठीक होता है बंद करते ही वापस हो जाता है, ये उनकी कॉमन प्रॉब्लम होती है। सो उसको वापस प्रिवेंशन के लिए एक मिनिमम मेडिकेशंस की नीड होती है। एंड थर्ड, जस्ट गो फॉर ए गुड एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट। हमने एक एलर्जी का टेस्ट करा लिया, जिससे हमने ये पता लगा लिया कि मेरे पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ से एलर्जी है और मेरे को किस चीज़ से बचाव करना है। यस, और उसके बाद आजकल एक एडवांस फैसिलिटी और है। सपोज करो आपको किसी एक पार्टिकुलरली चीज़ से बहुत सीवियर एलर्जी आ रही है, हाउस डस्ट है, माइट्स हैं, या वट एवर जो भी है, फूड रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट से है, पोलन से, उसकी वैक्सीन बनती है जस्ट टू क्रिएट इम्यूनिटी इन द ब्लड। और उस वैक्सीन से, जैसे हमने कोविड की वैक्सीन ली और पूरी दुनिया में बचा हुआ, वैसे उस वैक्सीन से हमारे ब्लड में एंटीबॉडी बनते हैं और आगे की लाइफ के लिए हमें उससे प्रोटेक्शन मिलता है। बट अगर आपको एलर्जी है तो ये मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी फॉलो करना होगा। अब किसी कारण से आपको चिकित्सक ने ये नहीं समझाया कि आपको जो है वो आपके DNS या सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के बाद अगर आपको एलर्जी है तो ये भी मैंडेटरी है, क्योंकि पेशेंट समझता है सर मैंने सर्जरी भी करा ली, मेरा पैसा भी लग गया, मेरी एलर्जी ठीक नहीं हुई। बिकॉज दोस्तों, जो एलर्जी है दैट इज़ ए ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। आज किसी को डायबिटीज़ है तो एक गोली उसके कंट्रोल के लिए हमें लेनी होगी, आज किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसके कंट्रोल के लिए हमें वो एक गोली लेनी होगी, बिकॉज दे आर द ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। सो दोस्तों, ये चीज़ हमें दिमाग से अच्छे से क्लियर करनी चाहिए कि DNS की सर्जरी के बाद भी एलर्जी अगर किसी को है तो उसके ट्रीटमेंट की हमें नीड है। यस, बट आफ्टर द DNS करेक्शन, DNS के सर्जरी के बाद में, सेप्टोप्लास्टी के बाद में प्रॉब्लम ज़रूर कम हो जाती है, क्योंकि
नोज में एयर वे जब ओपन हो जाता है तो हमारे जो साइनस है उससे अच्छे से ब्रीदिंग होती है और एलर्जी की प्रॉब्लम कम होती है। बट डेफिनेटली यस, अगर आपको एलर्जी है तो उसके मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आपको लेना ही पड़ेगा। सो देखा दोस्तों, दिस इन्फॉर्मेशन इज रियली यूजफुल फॉर यू एंड यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस रिलेशन बिटवीन द DNS एंड द एलर्जी साइनोसाइटिस। थैंक यू।